लगता है कि अब ज़रूरत है, जिस तरह से यूपी में हुई और बाकी स्टेट में अभी हुए, उसके बाद अब दिल्ली में घटना है, मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा होकर के इस ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन करना चाहिए, नहीं तो फिर कोई पार्टी जीतने वाली नहीं है। और ये केवल आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, मेरा ये कहना है कि ये सारे चूँकि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, उसको भी बारीक से ये समझने की कोशिश करें। आपको भी सवाल करना चाहिए कि भाई अगर धौलपुर में ऐसा हुआ, भिंड में ऐसा हुआ, तो जो टेक्निकल फॉल्ट थी, क्या टेक्निकल फॉल्ट थी, क्यों बीजेपी को क्यों नहीं और पार्टी को वोट पर रहा, एक ही पार्टी को वोट पर रहा, टेक्निकल फॉल्ट था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शक है, इस शक की पुष्टि इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। और जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं और जो दिल्ली के जनता का कहना था चुनाव से पहले, वो रिजल्ट से तालमेल नहीं रखता, इसीलिए हमारा सवाल है। कभी हम हमेशा ईवीएम से चुनाव के खिलाफ रहे, हमारा ये कहना है, बार बार कह रहा हूँ कि ईवीएम टेम्पर्ड हो सकता है।